अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की बड़ी अफसोसनाक खबर। रमज़ान के मुबारक महीने में चादागढ़ पीएस लिमिट आजमपुरे में कल देर रात गए कत्ल हो जाता है। मरने वाले का नाम अब्दुल रहमान बताया गया और मारने वाले का नाम अभी पुलिस ने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि मारने वाला जो है अब्दुल रहमान का साड़ू था। अब इस कलयुग के दौर में भाई भाई का नहीं हो रहा तो साड़ू साड़ू का क्या होगा। बहरहाल मुबैना तौर पर यूं सुनने में आ रहा है कि 40 से 45 लाख का ये मामला था, कुछ 40 से 45 लाख रुपए का लेन देन का मामला था, जिसकी वजह से कल देर रात गए अब्दुल रहमान का मर्डर हो जाता है। बरकात हो। अभी जो हादसा हुआ, मेरे जो है साले साहब है उन्हों, मैं फटला सर में रहता हूँ, मेरे को अभी मालूम हुआ तो मौके पे पहुँचा हॉस्पिटल में, तो जो उनका डेथ हो चुका था ऑलरेडी। उनके साड़ू जो साहब जो है उनकी प्रॉपर्टी में जो कुछ लिटिगेशन चल रहा था, कोर्ट में भी केस चल रहा था और जो है पुलिस स्टेशन में भी ऑलरेडी जो है FIR दिए हुए थे। खाली एक मुलाकात करेंगे बोल के बुलाए, बुला के जो है पूरी प्लानिंग से वो लोग जो है वो मर्डर करने की बुलाए, उनको बुला के उन्हें जो है निहत्ते चले गए तराबी पढ़ लेके, बात कर रहे ना वो कि बात करते करते जो गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद जो है फिर से जो है लोग जो है पकड़ के लिए, तो एक साहब और एक जो है चाकू निकाल के उनको जो सीधा दिल पे अटैक कर दिए। दवाखाने को लेके आया तक भी उनका इंतकाल हो चुका था। आप लोगों से मीडिया से जो है अदबन गुजारिश है कि आप इतना उसको जो है सज़ा दिलाने की कोशिश करिए, समझिए आप। और इसे कहाँ रहते थे कौन जो मारेस वाले वहीं पर निमोली अड्डे पे रहते, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने लड़ाई हुई थी ऑलरेडी FIR दर्ज कर दिए थे, पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड भी है उसका। और पुलिस स्टेशन निमोली अड्डा पुलिस स्टेशन में एक्शन ने लिए थे। चल रही थी बात, वो लोग आए बातचीत करे, बोला जो है फिर कोर्ट में केस चले आने के बाद जो है फिर ये लोग कौन मारेसो वाले जो है दस्तगीर नाम है उनका, उन्होंने दुबई में से वहाँ से फिनिश कर देके इधर आ गए थे। और मेरे जो साले साहब जिसका इंतकाल होगा उन्होंने भी जो है सऊदी अरब में थे, उनको फिनिश करके भी 2-3 महीनों आके लूँ। अभी यहाँ पर जो एलिवेटर्स का कारोबार डाले से भी एग्जैक्ट कौन से स्पॉट पर हुआ, यहाँ पर जो है मुस्लिम दवाखाने के पास कुछ मस्जिद है, मस्जिद के पास बुला के जो है यहाँ पर हम इंतकाल मारे। दो आदमी टोटल, तीन आदमी थे वो लोग, हाँ, जिसमें से जो वार नहीं जो वार करा फर्स्ट वार करा उन्हें, वो आदमी जो इनका साड़ू था वो दस्तगीर। और दो जने साथ में आए थे, वोला भी मारने की नियत से आए थे, और एक साहब साथ में गए थे हमारे साले के, उन्होंने वो दोस्तों को पकड़ लिए थे, पकड़े तक उन्हें जो है मार दिया उन्होंने। आई विटनेस उन्होंने ही है, अली भैया जी हाँ जा रहे उन्होंने। अच्छा, उनके वाइफ भी साथ थे वो टाइम पे? नहीं, उन्होंने घर पे थे जी हाँ। कुछ आप लोगों का CCTV फुटेज है CCTV की, वहाँ पर उनके घर पे जो है बातचीत चल रही थी, वो उनके घर पे CCTV कैमरे है उस पर जो है वो लोग देख रहे थे, तो उन्होंने क्या करे मालूम यहाँ दिख रहा ना कैमरे में बोल के दूसरी जगह बुलाए। अब वो मस्जिद के पास शायद CCTV कैमरे होंगे। सेकंड टाइम अटैक हुआ, लड़ाई नहीं हुई, खाली बातचीत करे तो यहाँ लोग को बात करेंगे, घर करेंगे, बाहर जाके बात करेंगे बोल के वहाँ बुला के ले गए उनको। अब इन्होंने जो है एकदम सिंपल आदमी, चलो भाई बात से एग्जैक्ट कितने बजे हुआ ये एक्चुअल जो है 5 बजे जो है 5:15 को जो है घर के पास बात हुई, उसके बाद 9:30 के टाइम पे 9:45 के टाइम पे यहाँ फिर अटैक हुआ उनके ऊपर। आपका नाम? मेरा नाम इसाखुर रहमान है। विक्टिम की क्या होना? मैं भोन हूँ उनका जी। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ भाई।
जर्मनटन हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।